गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 15 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स है। 15 चैप्टर जिसका चैप्टर का नाम इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, 15 चैप्टर उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने सामने रखे हुए हैं। एक्सरसाइज देख ही सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस पूरे के पूरे रैंडमली रखे हैं, क्वेश्चन आंसर्स रैंडमली है, तो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। अब देखिए, ये जैसे कि मैंने रखा है डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ मार्केट सिस्टम, ये एक्सरसाइज में फर्स्ट का थर्ड आंसर है, ठीक है। ये डिस्कस एनी फाइव फीचर्स ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी। अब ये एक्सरसाइज में फर्स्ट का फर्स्ट है, बट इसका कंटिन्यू पार्ट भी है जो कि सेकेंड पेज पे है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये है, ठीक है, ये इसका कंटिन्यू पेज है। ये आपको 9 पॉइंट्स कंप्लीट करना है। देन हमारा फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन आता है, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एक्सप्लेन, ये उसका आंसर है, ओके। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन लैंड एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर रिक्वायरमेंट सेकंड का फर्स्ट है, ओके। देन नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेशंस ऑफ सोशल सिस्टम, सेकंड का सेकंड, ये उसका आंसर है। एंड देन आता है हमारा डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि सेकंड का थर्ड है, ये उसके पॉइंट्स हैं। एंड ये लास्ट वन, ओके, फोर्थ जो लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर जो दिया हुआ ये फोर्थ, इसका ही लास्ट वन ये पॉइंट है, ओके। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, थर्ड का थर्ड, थर्ड आंसर का थर्ड वन है, तो ये उसका आंसर है, ओके। आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सेकेंड का फिफ्थ वन, जो सेकेंड का फिफ्थ है ये उसका आंसर है, ओके। व्हाट इज इकोनॉमी डेवलपमेंट, जो कि थर्ड का फर्स्ट है, ठीक है। नेम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड का सेकेंड। एंड व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेस, जो कि थर्ड का फिफ्थ वन है, ओके। ये हमारा जो फर्स्ट पेज था हम उस पर आ गए क्वेश्चंस। अब इसमें कौन सा बाकी रह गया, देखो जैसे कि फोर्थ, थर्ड का फोर्थ वन, विच इकोनॉमी सिस्टम हैज़ बीन फॉलोड बाय इंडिया, तो उसका आंसर आएगा मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके। इसमें एक और आंसर रह गया था, प्राइमरी सेक्टर, तो ये मैंने दिखाया वन, प्राइमरी सेक्टर लिखा हुआ है, ये इसका आंसर इतना है। देन यहाँ से कंटिन्यू इतना, ओके, ये सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर तक, ये इतना आप लोगों को लिखना, इतना सब कंप्लीट कर लेना आप लोग, ओके। लिखने के बाद अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अगर जिस किसी ने भी पहले का वीडियो नहीं देखा हो, या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा हो, या फिर इंटरेस्टिंग वीडियोस ऐसे आप देखना चाहते हैं आगे भी क्वेश्चन आंसर्स और टॉपिक्स के ऊपर या फिर चैप्टर्स के ऊपर, तो डू लाइक एंड शेयर, ओके। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, ओके। थैंक यू वेरी मच।